हेलो फ्रेंड्स, स्वराज स्वीट डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है चावल की खीर, जो बहुत ही जल्द बन जाती है, झटपट, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में। तो चलो देखें ये इजी रेसिपी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल बटन है उसे प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन आएंगे रेसिपी के। यहाँ मैंने आधा कप बासमती चावल लिए हैं, जिसे मैंने पानी में आधे घंटे से भिगो के रखा है। चीनी है, चीनी आप आपके स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स है, काजू, फिर ये है चिरौंजी और पिस्ता, आप ड्राई फ्रूट्स भी आपके इच्छा अनुसार ले सकते हो। फिर यहाँ है इलायची का पाउडर आधा चम्मच, घी है एक चम्मच, हमें चाहिए आधा लीटर दूध। सबसे पहले इस चावल को हम पीस लेंगे, हमें ये पानी नहीं लेना है, बस भीगे हुए चावल हम मिक्सर में डालेंगे और इसे हमें दरदरा पीसना है। बस एक या दो बार हम इसे घुमाएंगे तो ये दरदरा हो जाएगा। हमने इसे पीस के रेडी किया है, आप देख सकते हो। सबसे पहले ये कढ़ाई में हम एक चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद उसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और 2 सेकेंड के लिए इन्हें सेक लेंगे हम। हमारे ये ड्राई फ्रूट्स 2 मिनट्स सीख गए हैं और इसमें अब हम ये पीसे हुए चावल डालेंगे। और इसे हम भून लेंगे, इसे भी हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है। इसमें मैं 1 कप पानी डाल दूंगी और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, जिससे इसके ये गट्टे टूट जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हो हमारा ये चावल पक गया है, और आप इसे पानी के बदले डायरेक्ट दूध में भी पका सकते हो, पर मैंने पहले इसे थोड़े पानी में पकाया है और अब इसमें हम दूध डालेंगे। हम इस खीर को अच्छे से पकाएंगे, और अगर आपको ये थोड़ी और पतली चाहिए तो आप इसमें और ज़्यादा दूध डाल सकते हो या थोड़ा पानी डाल सकते हो, और ये पकने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और अगर आपको इसमें चावल के गट्टे दिख जाते हैं तो इसे आपको तोड़ देना है, या तो अंडे के बीटर से आप इसे बीट कर सकते हो, जिससे ये टूट जाएंगे। हमारी ये खीर पक गई है और गाढ़ी हो गई है, और इसमें अब हम चीनी मिलाएंगे। चीनी आप आपके स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हो। चीनी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी चावल की खीर तैयार है और अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है, और इसे अब हम सर्व करेंगे। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। गैस मैंने बंद कर दिया है और इसमें अब हम ऊपर से इलायची का पाउडर डालेंगे। हमने इसमें इलायची का पाउडर डाला है और आप देख सकते हो ये गाढ़ी हो गई है, और इसे अब हम सर्व करेंगे। इसे मैंने थोड़े पिस्ता और केसर से सजाया है, और इसे आप ठंडा करके भी खा सकते हो या ऐसे भी इसे गर्म खा सकते हो। तो इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।